आपके अपने YouTube चैनल अनुराग साठी क्लास में दोस्तों आपका स्वागत है। दोस्तों आज इस वीडियो में हम देखिए क्लास 12th का आप लोग लगातार कमेंट कर रहे थे, तो क्लास 12th का क्या है सेकेंड चैप्टर लाया जाए, पहला चैप्टर डाल दिया गया है जिसका नाम है आपका पहले चैप्टर क्या था लास्ट लेसन। ओके, उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद सॉल्यूशन के साथ डाल दिए गए हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा लिखा हुआ है आपका क्लास 12th इंग्लिश प्लेलिस्ट, तो उसमें आप क्लिक कर लेंगे तो जितने भी चैप्टर डाल दिए हैं आप उन्हें जाकर देख सकते हैं। ओके, उनके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, तो अपन क्या है इसका अपन ने क्या है पहला चैप्टर अपन ने देख लिया था द लास्ट लेसन के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। आज के इस वीडियो में अपन दोस्तों दूसरे चैप्टर की लॉस्ट स्प्रिंग, ओके दोस्तों इसके अपन क्या है क्वेश्चन आंसर मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले देखने वाले हैं, मैं आपको पूरा समझाऊंगा भी। इससे पहले आप क्या इसका सारांश देख लीजिए। ओके, तो यूट्यूब पे आपको कई वीडियो मिल जाएंगी, अगर आप मुझसे समझना चाहते हैं तो आप क्या है कमेंट कर सकते हैं। ओके, तो इससे पहला चैप्टर के मैंने टोटल मोस्ट इंपॉर्टेंट 5 क्वेश्चन बताए हैं, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर जो देखिएगा प्ले लिस्ट में जाइएगा आप। ओके, प्ले लिस्ट की डिस्क्रिप्शन में लिंक है तो उस पर आपको देखने को मिल जाएगा। दूसरा अपन को पार्ट चालू करना है लॉस्ट स्प्रिंग। ओके, तो लॉस्ट स्प्रिंग देखना है तो उसके मैंने क्या है नोट्स बना लिए, तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आपका पूरा दिया हुआ है, इसमें क्या होता है एक साहिब होता है, क्या है वो गरीब होता है और वो क्या है बांग्लादेश से क्या है अपने उसका घर रहता है, लेकिन तूफान आने का है उसका सब कुछ नष्ट हो जाता है, फिर वो इंडिया में आता है और क्या है इससे इंडिया के दोस्तों सीमापुरी में रहने लगता है, दिल्ली में जो उस प्लेस में आकर रहने लगता है अपनी बस्ती बनाकर। ओके, और क्या है कि कबाड़ी का काम किया करता था। ओके, और उसे एक आध दुकानें मिल जाते तो उसी में प्रसन्न हो जाता है, इस प्रकार की उसकी क्या है कहानी है। तो उसके चलिए अपन देखने वाले समय इसमें क्या है बच्चे का एक बचपना का क्या है लॉस्ट स्प्रिंग हो गया है। लॉस्ट स्प्रिंग मतलब क्या है बसंत का खो जाना, मतलब बचपन का खो जाना, ये इसके बारे में एक प्रकार से है। तो आप इसका यूट्यूब पर बहुत सारे दिए हैं, सारांश भी देख सकते हैं, अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करने वाले हैं। चलिए तो मैं दिखा देता हूँ, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और प्रेस कीजिए बेल आइकन वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। इसके दिए वैसे बहुत सारे क्वेश्चन दिए गए हैं एनसीईआरटी बुक में, लेकिन आपको वो सिलेक्टेड क्वेश्चन बताए जाएंगे वो दोस्तों जिनकी संभावना पूरी क्या है 100% होती है। तो चलिए अपन देख लीजिए, पूरे नोट्स तैयार हो चुके, इससे पहले चैप्टर बता दीजिए जाकर जो देख लीजिएगा। ओके, तो चलिए आपका सभी मैं टोटल इसमें आपको टोटल 6 क्वेश्चन बताऊंगा जो आपके अति महत्वपूर्ण है। ओके, 4 आपके हो जाते हैं शॉर्ट क्वेश्चन हो जाएंगे और आपके 2 है लॉन्ग वाले। ओके, आपको पता है लॉन्ग वाले भी आते हैं इसमें। तो आपका पहला इसमें क्वेश्चन आता है व्हाट इज साहिब लुकिंग फॉर इन द गारपेज डैम, वेयर इज ही एंड वेयर हैज ही कैम फ्रॉम। ओके, साहिब ने क्या है गारपेज डैम में क्या देखा, मतलब कबाड़ी खाने में क्या देखा। ओके दोस्तों, और वेयर इज ही वह कौन है, वह कहां से आया है, ये इसका क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है, ये आपको क्या है क्वार्टरली हाफ ईयरली में जरूर देखने को मिल जाएगा बोर्ड परीक्षा में तक में, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो देख लीजिए इसका आंसर क्या है, साहिब इज लुकिंग फॉर अ रुपीज फॉर अ कॉइन इन द गारपेज डैम। यह जो साहिब था वो क्या है कबाड़ खाने में ढूंढता था, पैसे ढूंढता था, जिसे पैसे या कॉइन अपन कह सकते हैं, ये आप क्या है ढूंढा करता था। तो इसका आंसर हो गया पहले वाले, इसमें क्या है 3 क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहा है, तो पहले वाले कंप्लीट हो गया। दूसरा वेयर इज ही वर्क, मतलब वह कौन है, तो ही इज द नेवर बोर हुड ऑफ द ऑथर, वह क्या है जो लेखक है, जिसकी लेखक है उसका क्या है पड़ोसी है। ओके, नेक्स्ट है आपका वेयर हैज ही कैम फॉर, वह कहाँ से है, तो इसका आंसर यहाँ पे हो जाएगा हिज फैमिली कैम फ्रॉम ढाका बांग्लादेश, मतलब उसकी जो परिवार था वह कहाँ था, ढाका बांग्लादेश से आया था, एंड नाउ लिव्स इन सीमापुरी, और वह वर्तमान में कहाँ रह रहा है, नाउ लिव्स इन सीमापुरी अ प्लेस ऑन पेरिफेरा ऑफ दिल्ली, ये दिल्ली के सीमापुरी में रह रहा है। तो ये आपका पहला है बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो ये आपका कंप्लीट हो जाता है, तैयार कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। वीडियो को फुल क्वालिटी में देखिएगा तो आपको समझने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ओके, तो चलिए अपन देख लेते हैं, दूसरा चैनल बनाए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए, क्योंकि आपको फुल तैयारी कराई जाएगी, कोई भी आपको डाउट हो तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा किसी भी क्लास का किसी भी सब्जेक्ट का। ओके, और टेलीग्राम को ज्वाइन करें तो ज्वाइन कर लीजिए, मैं आपको वहाँ क्या है नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा। आपका सेकेंड क्वेश्चन आता है क्या है व्हाट एक्सप्लेनेशन डज द ऑथर ऑफर फॉर द चिल्ड्रेन नॉट वेयरिंग फुटवेयर, क्या है मतलब एक्सप्लेनेशन, मतलब वर्णन कीजिए कि ऑथर के क्या विचार थे, मतलब लेखक के क्या विचार थे कि जो बच्चे हैं वो क्या है चप्पल नहीं पहने थे, तो उसमें लेखक के क्या विचार थे, ये इसका अर्थ हो जाता है। चलिए इसका भी आंसर देख लेते हैं, तो इसका आंसर आपके सामने ये दिया हुआ है, आप देख सकते हैं क्या है द एक्सप्लेनेशन ऑफर्ड बाय द ऑथर दैट इट इज अ ट्रेडिशनल टू स्टे वेयर फॉर्ड, और क्या है लेखक का विचार थे कि जी जो ये चप्पल नहीं पहने हैं बच्चे, ये क्या है कि उनकी प्रथा है चप्पल ना पहनने की, उनकी एक प्रथा है। ओके, इट इज नॉट लैक ऑफ मनी, ये क्या है पैसों की कमी नहीं है, यह केवल उनकी चप्पल ना पहनने की क्या है एक प्रथा है। सी वंडर्स दैट इट इज ओनली एन एक्यूज टू एक्सप्लेनेशन अवे अ परपेचुअल स्टे ऑफ प्रोवर्टी, लेकिन क्या है वह जानती थी, क्या जानती थी कि यह जो बता रही है केवल एक क्या है बहाना है उनकी क्या है गरीबी को छुपाने के लिए। तो ये इसका आंसर हो जाता है, आई होप आपको समझ आया, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये भी आपका अति महत्वपूर्ण है, ये आपका आ चुका है क्वेश्चन,
ये आपका क्या है हाफ ईयरली में आया था क्वेश्चन, ओके तो देख लीजिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, ये आपका बोर्ड परीक्षा में आया जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण, ये हाफ ईयरली क्वार्टरली और बोर्ड परीक्षा में भी आया, जो तीनों में आया बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्लियर कर लीजिए के लिए, ये शॉर्ट क्वेश्चन अभी आपके चल रहे हैं। ओके तो तीसरा आपका महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैं बता चुका हूँ, बोर्ड परीक्षा में आ चुका है, क्या है व्हाट मेक्स द सिटी ऑफ फैजाबाद फेमस, क्या है व्हाट मेक्स मतलब क्या बनाने के लिए जो शहर है फैजाबाद क्यों फेमस है, फैजाबाद शहर क्या बनाने के लिए मशहूर है, ये आपका अर्थ हो जाएगा। आंसर देख लीजिए द सिटी ऑफ फैजा क्या है द सिटी ऑफ फरीद फैजाबाद इज फेमस फॉर बेंगल्स, जो आपका जो क्या है जो फैजाबाद शहर है किसके लिए फेमस है, चूड़ियां बनाने के लिए फेमस है। एवरी अदर फैमिली इज इंक्रीज इन मेकिंग बेंगल्स, मतलब इसमें प्रत्येक परिवार क्या है यहाँ का क्या है मग्न है किसमें मतलब संलग्न है एक चूड़ियां बनाने के लिए। इट इज द सेंट्रल ऑफ इंडिया ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री, है क्या है एक ये शहर है जो चूड़ियां बनाने का एक क्या है केंद्र है, तो ये आपका क्या है आंसर हो जाता है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है। ओके तो तभी को तैयार करते हैं, जितना भी बताते जा रहा हूँ चैप्टर एक के बता दिए तो जाकर जो देख लीजिएगा प्ले लिस्ट की डिस्क्रिप्शन में, तो जितने भी चैप्टर बता दिए सभी को आपको वहाँ प्ले लिस्ट में देखने को मिल जाएंगे, तो जाकर जरूर चेक कर लीजिएगा। चौथा आपका क्वेश्चन है मेंशन द हजार्स ऑफ वर्किंग इन द ग्लास बेंगल इंडस्ट्री, हजार्स मतलब होता है खतरा, ओके तो उन खतरों को आपको वर्णन करना है जो क्या है काम करने में जो ग्लास बेंगल कंपनी है उसमें मतलब चूड़ियां बनाने की कंपनी है उसमें काम करने में खतरा है, उनको क्या वर्णन कीजिए कौन कौन से खतरे हैं समझ लीजिए, ये आपसे पूछा जा रहा है। चलिए इसका भी आंसर देख लिए, तो इसका आंसर आपके सामने ये रहा क्या ग्लास बेंगल मेकिंग इंडस्ट्री हैज हजार्स, ओके जो ग्लास मतलब जो चूड़ियां बनाने की कंपनी है उसमें क्या है बहुत से खतरे हैं। द वर्कर्स हैव टू लुक इनटू ब्राइट हॉट फर्नेसेस ओके एंड पॉलिश बेंगल्स, ये आपका है इसका क्या कह रहा है द वर्कर्स हैव टू लुक मतलब जो वहाँ के काम कर्मचारी हैं ये काम करने वाले उन्हें क्या है एकदम चकाचौंध ही भट्टी में क्या है एकदम गर्म भट्टी में देखना पड़ता है अपनी आंखों से, ओके ये हो गया। एंड पॉलिश ग्लास और क्या है बेंगल्स मतलब और चूड़ियों में क्या करना है पॉलिश करनी पड़ती है, ये दो काम है। ओके द टू एक्टिविटीज टर्न देम ब्लाइंड बिफोर दे आर ओल्ड, ये जो दो काम है कौन सा पहला काम हो गया उनका भट्टी में देखना और दूसरा काम हो गया क्या है चूड़ियों को क्या है पॉलिश करना, ये जो दो काम है उनके क्या है अंधा कर देता है क्या है बूढ़े होने से पहले उन्हें क्या कर देता है अंधा कर देता है ये दो काम, तो ये हो जाता है आपका अर्थ। चलिए नेक्स्ट देख लिया, अब आपके दो क्वेश्चन आए पांचवा और छठवां, ये क्या है आपके लॉन्ग वाले हैं या तो तीन से चार नंबर वाले हैं, तो इन्हें भी अपन देख लेते हैं। ओके दोस्तों लेकिन बहुत ही आसान भाषा में दिए हुए हैं, अगर आप इनका अर्थ समझ कर याद करेंगे तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। ओके तो देखिए पांचवा आपसे क्वेश्चन इससे पूछा जा रहा है कि व्हाट कुड बी सम ऑफ द रीजंस, व्हाट कुड बी सम ऑफ द रीजंस फॉर द माइग्रेशन ऑफ पीपल फ्रॉम विलेज टू सिटी, एक उस कुछ आपको क्या बताना कारण बताना है माइग्रेशन मतलब पलायन कि लोग क्या है पलायन क्यों हो रहे हैं गांव से शहर में लोग पलायन क्यों हो रहे हैं इसके क्या है कुछ कारण बताइए, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इसमें आप अपने से भी लिख सकते हैं, जरूरी नहीं आपको पाठ के आधार पर ही लिखें, आप इसमें अपने से भी जोड़ सकते हैं। ओके इसमें जैसे बताया गया है ओके उसमें आप अपने हिसाब से कट भी कर सकते हैं जो आपको ज़्यादा लगे, लेकिन आप देख लीजिए। चलिए इसका आंसर देख लीजिए, तो इसमें आंसर में आपसे क्या कहा जा रहा है देयर कुड बी मैनी रीजन्स फॉर माइग्रेशन ऑफ पीपल फ्रॉम विलेज टू क्या है विलेज टू सिटी, मतलब बहुत सी कारण हैं किसके लोग पलायन हो रहे हैं कहाँ से गांव से शहर की ओर लोग पलायन हो रहे हैं इसके बहुत से कारण हैं। ओके अपन आगे कारण की चर्चा करेंगे क्या द मजोर ऑफ देम इट सर्च लिवहुड, ओके क्या जो जनता होती है उसे क्या है एकदम जीवन यापन के लिए एकदम एक जगह खोजती है वैसे भी। द सिटी प्रोवाइड्स जॉब्स एंड अदर मींस ऑफ गेटिंग फूड, जो शहर उन्हें क्या है जॉब प्रदान करता है, ओके उन्हें क्या है नौकरियां प्रदान करता है एंड अदर मींस ऑफ गेटिंग फूड, अगर कहें तो क्या उन्हें भोजन एक प्रकार से क्या है प्रदान करता है, भोजन मूलभूत आवश्यकता है वो क्या है एक प्रकार से भोजन प्रदान करता है। अदर रीजन्स में भी बेटर सिविक हेल्थ एंड एजुकेशन फैसिलिटीज, और भी बहुत से कारण हैं जिससे क्या है गांव से शहर अच्छा है, जैसे स्वास्थ्य सेवाएं और शिक्षा की सेवाएं हैं ये बहुत ही उनमें क्या है शहर में अच्छी हैं। नेक्स्ट है सम पीपल आर फोर्स्ड टू माइग्रेट, देखो मतलब क्या है कुछ लोगों क्या है फोर्स किया जाता है, ओके किसे जब क्या होता है जब बैन नेचुरल डिजास्टर लाइक फ्लड डॉक्टर फ्रेमिंग इसेक्टा, जैसे कहीं क्या आ जाए गांव में क्या आ जाए नेचुरल डिजास्टर मतलब प्राकृतिक आपदाएं आ जाए जैसे बाढ़ आ जाए सूखा पड़ जाए या तूफान आ जाए ऐसी स्थिति में क्या है लोग को क्या है पलायन होना पड़ता है। ओके तो ये इसका हो जाता है, बहुत ही आसान भाषा में है लेकिन बड़ा नहीं है, जैसे मेरी कॉपी छोटी है तो उससे आपको लग रहा होगा लेकिन बहुत ही आसान भाषा में है और आप आसानी से याद कर सकते हैं। ओके
चलिए नेट देख लेते। सबसे आसान भाषा आप गाइडों में देखेंगे जी, आपको क्या है, कहीं आपको लैंग्वेज नहीं मिल पाएगी, ओके, सब मिक्सर है, ओके, और किसी है अपनी से भी है, कुछ गाइडों का भी सब मिक्स करके आप बनाया गया है, इसलिए दोस्तों आपको बहुत ही आसान भाषा है, ओके, तो इसे आप तैयार करने की कोशिश करिएगा। चलिए नेट देख लिया, आपका छठवां क्वेश्चन आपका आ जाता है, ये भी आपके लॉन्ग वाले में, ये दोनों आपके लॉन्ग वाले में, इसलिए आपको मिलना है, क्या है वॉइस शुड भी, ये आपका 2000 क्या है 2022 की परीक्षा में, बोर्ड परीक्षा में आया था, और ये हाफ ईयरली क्वार्टरली तीनों में आ चुका है, ओके, और बोर्ड परीक्षा में भी ये क्वेश्चन आया था, ओके, लॉन्ग वाले में, तो इसका हम इसे नोट कर लीजिए, फिर आपको देखने को मिल जाएगा कहीं ना कहीं, इसलिए क्या है इसे तैयार कर लेना, ओके। चलिए देख लीजिए क्या है इसमें, क्या है वाई शुड बी चाइल्ड लेबर्स बी एलिमिनेटेड एंड हाउ, मतलब जो बाल श्रम है उसे हमें क्यों समाप्त करना चाहिए और हम उसे कैसे समाप्त कर सकते, हाउ पूछे मतलब उसे हम कैसे समाप्त कर सकते हैं। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं, मतलब हमें बाल श्रम को क्यों समाप्त करना चाहिए और हम इसे कैसे समाप्त कर सकते हैं, ये इसका अर्थ हो जाता है। दोस्तों वीडियो को लाइक नहीं है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, ओके दोस्तों, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा, क्योंकि ये चैनल आपकी आने वाली परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण होगा और आपकी हमेशा क्या सहायता करेगा। तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर, चाइल्ड लेबर एलिमिनेटेड बिकॉज इट टेक्स अवे द चाइल्डहुड, मतलब क्या है हमें जो बाल श्रम को उसे खत्म करना चाहिए क्योंकि ये क्या है ये बचपना छीन लेता है, इट टेक्स अवे चाइल्डहुड, इसका मतलब क्या है इट टेक्स अवे चाइल्डहुड मतलब ये क्या है बचपना छीन लेता है, ओके, एंड द प्रोस्पेक्ट ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन फ्रॉम द चाइल्ड, और जो ये आपकी बच्चों की प्रारंभिक शिक्षा है इसे भी क्या है एक प्रकार से छीन लेता है, द चाइल्ड द चिल्ड्रेन लॉस द चार्म ऑफ स्प्रिंग ऑफ देयर लाइफ टू वर्क फैक्ट्री इन फैक्ट्री एंड मैनी अदर प्लेसेज, जो बच्चों का क्या है बसंत जैसा बचपना है वो फैक्ट्रियों में जैसे फैक्ट्री और अदर मतलब कारखानों और अगर अदर जगह क्या है काम करने से क्या है छिन जाता है। आगे देख लीजिए, इन ऑर्डर टू एलिमिनेटेड दिस प्रॉब्लम गवर्नमेंट शुड बी एनेक्ट द लॉस फीसफुदी, मतलब एक आदेश से क्या है एक आदेश अगर गवर्नमेंट जारी कर दे तो इसे कम किया जा सकता है और गवर्नमेंट को मतलब सरकार को इसके प्रति क्या होना चाहिए नियम कड़े कानून बनाने चाहिए। नेक्स्ट देख लीजिए, द पेरेंट्स मस्ट बी मेड अवेयर ऑफ द कंसिक्वेंसी ऑफ वर्किंग इन हार्मफुल एनवायरमेंट्स, मतलब क्या है आपको पेरेंट्स को भी मतलब माता पिता को भी क्या है जागृत होना चाहिए कि अगर वे क्या है ये सब काम कराते हैं तो उसके क्या घातक परिणाम इसके क्या होंगे, इसके प्रति आपको क्या है जागरूक करना करवाना चाहिए माता पिता को, ये इसका क्या हो जाता आंसर हो जाता, यही आपके क्या है टॉप 6 क्वेश्चन है आपके चैप्टर 2 द लॉस स्प्रिंग के, ओके, तो बहुत ही महत्वपूर्ण है आपको तैयार कर दीजिए, सबसे महत्वपूर्ण ये आपका यही हो जाता छठवां वाला, ओके, फिर आपका हो जाता है ये आपका पहला वाला हो जाता है, इसके बाद आपका हो जाता है दूसरा वाला भी आ चुका है, पहला दूसरा तीसरा भी आपका है, मतलब इसमें जितने 6 होंगे 6 महत्वपूर्ण, इसमें कोई ऐसा नहीं है, ओके, तो आपको क्या है 6 होंगे इतने तैयार कर लेना है। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, ओके, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इससे पहले भी मैंने बहुत से आपको चैप्टर के समझाए हैं तो इनके प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में है, तो प्लेलिस्ट पर क्लिक करके आप क्या देख लीजिए जो भी आपको चैप्टर क्या तैयार करना हो, तो वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।